गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। 10:30 हो चुके सुबह के और मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा लिया हूँ और ब्रेकफास्ट अभी मुझे करना है। तो अंकल जी ने ये केले दिए मुझे 3 खाने के लिए, ये इनकी बेटी और आंटी जी काम पे गए हुए हैं। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद, अगली बार मिलेंगे, है ना? ओके, बाय बाय कर दो। अच्छा, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो यार। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, बाय। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया अपना, 3 केले खा लिए और जो वेरका की छोटी सी बोतल आती है दूध की वो पी ली 25 रुपये की। तो ब्रेकफास्ट हो गया, अब थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, आगे जाके वो यंत्र निकालता हूँ हिचाइकिंग वाला और हिचाइकिंग शुरू करते हैं। और आज नारकंडा पहुँचना है मुझे। यहाँ पे जियो का नेटवर्क है पर इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, और मैं ठंडे पानी से ही नहाया और अभी लातें मेरी दुख रही हैं, हल्की हल्की घुटने दुख रहे हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पैदल चला हूँ ना, हाइट पे खड़ी चढ़ाई चढ़ा और उतरा भी हूँ। तो वो पीछे रह गया सराही विलेज, मैं वहाँ रुका हुआ था सामने जहाँ ट्रक खड़ा है। लिफ्ट मिल गई है दोस्तों, पहली दिन की। पहली लिफ्ट मेरे को यहाँ तक मिल गई, थोड़ा नीचे जाके उतारा उन्होंने। अब यहाँ से पैदल चलता हूँ और खाना खा लेते हैं, भूख लगी मेरे को, खाना खाता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर चलेंगे आके हिचाइकिंग करेंगे। चौपाल बस स्टैंड पहुँचते पहले यहाँ से पैदल पैदल चल के। ये दोस्तों चौपाल का बस स्टैंड, छोटा सा, यहाँ पे HRTC की बसें खड़ी हैं और ये एक प्राइवेट बस भी खड़ी है, यहाँ के आसपास गाँव को कनेक्ट करती हैं HRTC, लाइफ लाइन है हिमाचल की। तो खाना भी खा लिया है, 60 रुपये का खाना और बस अभी की चाय 70 रुपये लगे हैं अभी, और अब शाम तक बिना खाए भी निकल जाएगा टाइम। और अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ पैदल, चौपाल को थोड़ा सा क्रॉस करता हूँ और वहाँ से हिचाइकिंग करना शुरू करते हैं। तो अभी 12:30 हो चुके हैं और अभी मुझे यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर तो जाना है नारकंडा के लिए। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और कुछ ऐसा रास्ता है सुनसान सा, तो इस मोड़ पर आगे रुक गया हूँ मैं। और अभी 3-4 गाड़ी निकली है लेकिन भरी पड़ी थी। गाड़ी आ रही है, देखते हैं रुकती है नहीं, पर ये फुल है गाड़ी। गाड़ी यहाँ से मैक्सिमम भरी हुई जा रही है इसलिए लिफ्ट नहीं मिल रही है, लिफ्ट ना मिलने का यही रीज़न है यहाँ पर। ये अंदरूनी इलाका है, मतलब गांव वाला इलाका है, तो यहाँ पर टूरिस्ट इतना नहीं है। चूड़ीदार के लिए आते हैं लोग लेकिन वो सीज़न में आते हैं, अभी इतने नहीं है। तो जो मैक्सिमम यहाँ पर गाड़ियाँ जो भी चल रही हैं सारी लोकल्स की हैं, जैसे कोई कुछ किलोमीटर जा रहा है, कोई कुछ किलोमीटर जा रहा है, कोई कोई है जो शिमला ठियो गया लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं। थैंक यू लिफ्ट के लिए, थैंक यू अंकल जी, ओके। अब यहाँ से जाना है मुझे सेंज, थोड़ा आगे चलता हूँ। तो 5 से 7 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे पैदल चलते हुए और अभी कोई लिफ्ट नहीं मिली है। पिकअप है भाई, आगे तक छोड़ दोगे? कहाँ तक जा रहे हो आप, कहाँ तक जा रहे हो आप, कहाँ? मेरे को सेंज जाना, आगे तक छोड़ दोगे? सैंज जाना है मेरे को, सैंज रास्ते तक जहाँ तक आप जा रहे हो कितना है यहाँ से? तो आगे छोड़ देना, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लिफ्ट थी, ठियोग तक लिफ्ट मिल चुकी है। ये सर जी टीचर हैं, प्राइमरी टीचर, तो ये अपनी बेटी को लेने जा रहे हैं ठियोग, वहाँ पे स्टडी करते हैं। पहुँच गया ठियोग और मेरे को जाना इस तरफ। ये है NH 22, ज्यूरी 122, भावा नगर 149 और पू 249। ये है दोस्तों ठियोग का व्यू जो कि शिमला के काफ़ी नज़दीक है, और ऐसा नज़ारा है यहाँ का, धुंध छाई हुई है आसपास और उधर तो खैर आग लग रखी है। और गर्मी यहाँ पे भी ठीक ठाक है। थोड़ा आगे चलता हूँ और वहाँ से ही चाइकिंग करना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों लिफ्ट मिल गई है मुझे मटियाना तक, अंकल जी ने लिफ्ट दी, अंकल जी धन्यवाद लिफ्ट के लिए। ठीक
ठीक है, दिक्कत होगी मेरे को बोलो। हाँ जरूर, ठीक है जी, धन्यवाद। ओके, तो दोस्तों ये इलाके के यहाँ के प्रधान है, तो यहाँ मतियाना मैं उतार दिया है, मतियाना की मार्केट थोड़ा सा पीछे चढ़े, यहीं से आपको लिफ्ट मिल जाएगी। और इस इलाके में सेबों की पैदावार सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये लोगों ने वाइट वाइट नेट लगा रखा है ताकि इनके ऊपर ओले ना गिरें। पूछा था मैंने किसी से तो उन्होंने ये बता दिया कि ओलों से बचाने के लिए लगाया होता है इसको, बाकी और भी रीज़न होंगे। इस इलाके में सारी जगह पे आपको सेबों के बगीचे देखने को मिल जाएंगे, लोगों का मैक्सिमम काम जो है वो सेबों पे ही डिपेंड करता है। यहाँ से लिफ्ट तो नहीं मिली, अब आगे जा रहा हूँ, बाज़ार क्रॉस करके फिर चेकिंग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे खड़े हुए, लिफ्ट नहीं मिली, अब आगे जा रहा हूँ। तो लिफ्ट मिल चुकी है मुझे मतियाना से डायरेक्ट नारकंडा के लिए। भैया ने हमें लिफ्ट दिया, भैया थैंक यू लिफ्ट के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ठाकुर। अनिरुद्ध ठाकुर, तो आप नारकंडा में किस काम से जा रहे हैं? मेरा घर है भैया नारकंडा। अच्छा, नारकंडा में घर है। अच्छा, तो आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो? मैं भी एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। अच्छा, तो सही है, पहले टीचर से लिफ्ट मिली थी और अभी एडवोकेट से लिफ्ट मिली है। उस जगह का नाम है शिलारू घाटी, NH5 है ये, और यहाँ नीचे हॉकी स्टेडियम है ना ये। तो भैया इसके बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे थे भैया आप इसके बारे में? हाईएस्ट एल्टीट्यूड में हॉकी स्टेडियम है शिलारू में। अच्छा, दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे स्थित हॉकी स्टेडियम है ये, है ना, हिमाचल प्रदेश में, इंटरनेशनल। थैंक यू। ओके भैया, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं नारकंडा, भैया ने यहां छोड़ दिया मेरे को। यह है दोस्तों नारकंडा, ये सामने मंदिर है बहुत सुंदर सा, और ये है नारकंडा का छोटा सा टाउन। और पीछे ढाबे में मैंने चाय पी है अभी, और मैं यार यहाँ पे रहने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, खैर अभी हो नहीं रहा है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मेरे को फाइनली ठहरने के लिए जगह मिल चुकी है। ये है यहाँ का जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, तो अंकल जी से बात करी, फिर इनके सर से बात करी, तो खैर परमिशन मिली गई। और यहाँ पर अभी बारिश शुरू हो चुकी है, इस तरह का माहौल है अभी, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश शुरू हो चुकी है, और मौसम ठंडा है यहाँ का। और मैंने अभी अपना बैग वगैरह रख के हाथ पैर धो लिए हैं, पूरा एक से लगभग 2 घंटे भटका हूँ मैं, कभी इधर कभी उधर, कभी किससे बात कर रहा हूँ कभी किससे बात कर रहा हूँ, खैर लेकिन बात नहीं बनी। बस सबसे यही कह रहा था कि थोड़ी सी जगह चाहिए टेंट लगाने के लिए। पहले यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो काम करते हैं उन्होंने अपने सर को फ़ोन किया, उन्होंने मना कर दिया। फिर जब मैं यहाँ से इधर उधर भटक रहा था मेरे को वही मिल गई, फिर सर से ही मेरी ट्रैक जाके बात होगी, तो उन्होंने कहा कि आप पहले भी गए थे क्या हमारे गेस्ट? मैं कहा हाँ जी गया था। कहते हैं वही चलिए बैग रखिए फिर मैं आता हूँ साइड से वापस, फिर देखता हूँ। तो खैर मुझे फिलहाल सर छुपाने के लिए जगह मिल चुकी है, अगर जगह नहीं मिली होती तो मैं भीग रहा होता बाहर।